बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप सब खैर खैरियत से हूँ, अपने घरों में शादोबाद हूँ। आमीन सुम आमीन। आज जो मैंने चने बनाए थे तो इसकी कोई ख़ास रेसिपी तो नहीं है, मुझे लगता है सारे लोग ही ऐसे बनाते हैं, लेकिन फिर भी चले मैं आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो चने बनाने के लिए मैंने 1 पाव चने लिए हैं। मैंने उनको रात को बेकिंग सोडा डाल के भिगो दिया था। और चने जो है अगर आप जब भी बनाएं तो उन्हें पहले रात को भिगो दें तो वो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। सुबह अच्छी तरह फूले हुए होंगे। इस तरह बेकिंग सोडे वाला पानी निकाल के उनको अच्छी तरह से दोबारा धो लेना है। और इसके अलावा हमें चाहिए प्याज 2 अदद, 1 टमाटर, आधा सा लहसुन ले लें और 4-5 सब्ज़ मिर्चें, नमक 1 टीस्पून, सुरख मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, सूखा धनिया 1 टीस्पून। ये गरम मसाला मैंने अलग इसलिए रखा है कि ये सबसे आखिर में डालेंगे। ये 1 टीस्पून ले लिए। प्रेशर कुकर में 1 लीटर पानी डालें और उसके अंदर चने डाल दें। उसके साथ ही नमक, मिर्चें, हल्दी, सूखा धनिया, प्याज, लहसुन और टमाटर काट के डालें और इसे 15 मिनट के लिए प्रेशर दे दें। ये काले चने, सफ़ेद चने या सुर्ख लोबिया अगर आप बना रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप उनको रात को ही भिगो दें, वरना वो एक तो गलेंगे नहीं, दूसरा अच्छी तरह फूलेंगे नहीं, तो फिर मज़े के नहीं बनेंगे। चने रात के भीगे हुए थे तो पानी मुझे लग रहा है कि ज़्यादा है, तो मैं इसको निकाल के साइड पर रख लूँगी और भूनते हुए मैं इसको फिर साथ साथ डालती जाऊँगी। 1/2 कप मैंने इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाल दिया है। पानी निकाल के मैंने सेव कर लिया है, तो जब मैं इसको भूनूंगी साथ साथ ऐड करती जाऊंगी, और जब तक चने भूनते हैं तो ये भी सारा पानी इसके अंदर सूख जाएगा। और सारा प्याज और लहसुन वगैरह जो चनों के अंदर डाला था साबुत ही, वो भी अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा और मसाला बन जाएगा। 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर कसूरी मेथी ऐड कर दी। अगर आपको पसंद है तो आप डाल लें, अगर नहीं है तो फिर इसको रहने दें, ये ऑप्शनल है। 10 से 12 मिनट के लिए इन्हें मज़ीद भून लें, और जब ऑयल बाहर आने लगे तो आप इसके अंदर पानी ऐड कर दें जितना आपको पसंद हो। अगर आप वैसे ही भुने हुए रखना चाहते हैं तो भी बहुत मज़ेदार होंगे, और अगर पानी डाल के ग्रेवी सी बनाना चाहते हैं तो भी आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन ये दोनों सूरतों में बहुत मज़ेदार बनते हैं। अब चनों ने ऑयल छोड़ दिया है तो ये अच्छी तरह भुन गए। मसाला भी देख लें कितना अच्छा सा, प्याज वगैरह कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, मसाला रेडी हो गया। तो अब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूंगी और फिर इसे मज़ीद 8-10 मिनट तक हल्की आंच पे पका लूंगी। बस हमारे चने भी रेडी हैं। मैं इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ धनिया डालूंगी और थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ वो ऐड करना है, और बस डिश आउट कर लेना है। देख के ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कितने मज़े के बने। इसे तवे की रोटी के साथ भी खा सकते हैं। आज मैंने इसके साथ सादे चावल बॉयल किए, आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार चने रेडी हो गए हैं। आप इन्हें ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और डेकोरेशन आप अपनी मर्ज़ी से कर लें जैसे भी दिल चाहे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।